गुड मॉर्निंग दोस्तों, हो गई एक नए दिन की शुरुआत एक नए वीडियो के साथ में। आज हम डालेंगे लेंटर के ऊपर लोहा। लोहा बिछाते हैं, डालना जो समझो आप वो करेंगे। इसके लिए हो चुका हमारा लोहा भी सीधा, कुछ टुकड़ों में काटा है और कुछ सीधा हो रहा है। लोहा डालने की जो कला होती है वो सबसे बेस्ट होती है लेंटर में। अभी लोहा डालना स्टार्ट होगा, मैं आपको दिखाऊँगा, मिस्त्री साहब से पूछ के भी बताऊँगा कि लोहा कैसा डाला जाता है, कहाँ डाला जाता है, कहाँ क्रैंक मारी जाती है, कितने फिट में क्रैंक मारी जाती है, ये सब आपको देखने को मिलेगा हमारे वीडियो में। ये वाला गाला कितने का है? 14 का गाला है। हाँ, 14 का गाला है। तो ऐसे में मार्किंग लगाओ कितने में? 3.5 में। ऐसे में 3.5 में 3.5 की मार्किंग आ रही है। जैसे कि ये 42 इंची में मार्किंग आ रही है। ये ऐसा 14 फिट का है, मतलब वो वाली कालम से, ये वाली कालम से ये कालम तक 14 का है। तो इसमें 3.5 में मार्किंग लगी है और ऐसे इधर भी 3.5 में मार्किंग लगेगी जी। यहाँ पर 3.5 में यहाँ पर भी मार्किंग लग रही है। ये और ये वाला, यहाँ से बात करूँ वो वाली कालम की तो ये 12 का गाला है। तो इसमें भी कितने 3 फिट में लगी मार्किंग, इसमें 3 फिट में मार्किंग लगी है। यहाँ से 13 किलोमीटर देखिए, दो दो टेप चल रहे हैं साथ में। ये यहाँ पर क्रैंक टूटती है उसका है, ये भैया जो मार्किंग कर रहे हैं जी यहाँ पर। ये देखिए मार्किंग लगी है, ये 18.5 के राड लेके आओ बोले भैया ने जी। आगे राड 18.5 की नहीं, जल्दी जल्दी डाल दो। हाँ बताओ ना, आप इधर आके बता दो ना, वो डालेंगे ना उनके हिसाब से। हाँ टॉप में करो, इधर टॉप में डलेगी उधर, और इधर बाटम में डलेगी। और पहली राड जहाँ पर मार्किंग की है वहीं पर जाएगी। नीचे से ले जब भाई, भाई बोल रहा हूँ ना, नीचे से जाएगी तो तुम नीचे से डाल। अखंड वायर डालेंगे पूरी, अखंड वायर डालेंगे बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं है ना। ये जो मार्किंग में आ गया और वो वहाँ भी मार्किंग में आया। ये जो मार्किंग हुई थी अपनी 42 इंच की, 14 का काला था तो ये उसमें आया है। कौन सी? ये वाली मार्किंग भी टॉप में जाएगी। हाँ एक्स्ट्रा बार एक सामान कसाएगा, पूरे एक्स्ट्रा बार आएंगे, पूरा वो काला बीम था कॉर्नर में। चलो अब डालते हैं, उधर से कर यहाँ पूरे अंदर अंदर कर दें। ये डल गई, यहाँ मार लाओ, बार लाओ। ये कितने की मार्किंग है यहाँ पे? 6 इंच की है। नहीं ये तो रात, तो 6 इंच की है। ये वाली मार्किंग कितने की है? ये वाली 6 इंच की है। पूरी मार दो, यहाँ तक मार दो। हाँ दोनों तरफ ही मार दो। ये जो जो मार्किंग चलेगी यहाँ से, अब ये 6 इंच की चलेगी वो उधर तक। जैसे ये भैया मार रहे हैं तो कितने बार आ रहा ना। अब जैसे कि ये वाली रॉड जो थी ये ऊपर से डली है और ये वाली नीचे से जा रही है। ये इसके फिर ये साइड वाली जो आएगी ये ऊपर से आएगी। मार्किंग हो गई है भैया की, ये देखिए। अगला वायर लाओ और उधर साइड में ऐसी मार्किंग होगी। ये वाला वायर ऊपर रहेगा और वो उधर साइड नीचे रहेगा। जैसे दिख रहे हैं ये ऊपर हो गया, ये नीचे और ये ऊपर हो गया। इसी टाइप में ये इधर भी डलेगा। जैसे कि अभी ये जगह खाली है, भैया की जो मार्किंग करी थी वहाँ पर ये कोना में भी राड आई है और यहाँ पर भी जो गैप था, जो इनका कमरे का रेशू था 3.5 फिट का, वो यहाँ पर भी दी है। और ये लोहा डल रहा है टूबे का, ये पूरा लोहा डलेगा यहाँ पर टूबे का। अभी देख रहे हो आप, एक नीचे की राड, एक ऊपर, एक नीचे राड, एक ऊपर, ऐसे करके यहाँ से लेकर वहाँ तक भी डाल दिए हैं और इसी टाइप प्रकार से यहाँ डाले हैं। पर जो जो पहली राड जो डाले हैं इन लोगों ने वो नीचे से डाले हैं, यहाँ की भी जहाँ से इनका जो रेशू का आया था वो वहाँ से, और ये नीचे से डाले हैं। ये आपको बताने के लिए उचित था, ये डाल दिए हैं। बाकी फिर ऊपर नीचे करके इधर भी डाल दिए हैं, वो वाली लाइन में भी डाल दिए हैं और यहाँ पर भी डाल दिए हैं। अभी इनको कसेंगे तार से, फिर दिखाता हूँ आपको। जैसे कि भैया ने जो लोहा बांधे डाले हैं इसकी, ये लोहे की यदि मैं बात करूँ तो देख रहे हो आप, ये सीधी राड है वहाँ से लेकर ये इधर तक, ये लंबी वाली और छोर,
इसमें एक्स्ट्रा वायर बांधने की आपको ज़रूरत नहीं, जैसे कई लोग बांधते हैं ना कट में, फिर इसके ऊपर से एक एक्स्ट्रा वायर बांधते हैं, वो आपको बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही राड में खाली भैया ने लगा के वहाँ से लेके लास्ट तक, उधर से लेके लास्ट तक में, और यहाँ कर दी, मतलब एक्स्ट्रा वायर का जो रहता है एक्स्ट्रा वायर जो डालने का बिम में, वो फंडे ख़त्म कर दिए। मतलब काला भी एक चीज़ होती है साहब, देख रहे हो आप। अभी क्रैंक मारेंगे भैया, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, वो चटाई बांधने के बाद यहाँ पर क्रैंक मारेंगे, वो भी देखने को मिलेगा आपको। ये अब क्रैंक मार रहे हैं ये वाले कमरे की, इधर साइड की क्रैंक मारने की स्टाइल देखिए। ये एक पाना यहाँ पर पकड़े, ये देखिए, उसको टेप लगा के मैं अभी नाप के भी बताऊँगा आपको, वो देखना परफेक्ट 3 इंच की निकलेगी। मतलब एक भी ये कला है नहीं, तो बाकी लोग देखा मैंने इधर एक लोगों का हाथ पकड़ाते हैं फिर क्रैंक मरवाते हैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है भाई, अकेले ही मार रहा है क्रैंक। ये देखिए, ये राड उठा, ये मोड़, ये देखिए, मतलब एक वो भी एक टैलेंट होता है लोगों में, इनमें भी, और सारी में मरा जाएगी क्रैंक। ये टोटल जो चल रहा है लोहा, लाइव काम चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि बंधाने के बाद फिर आप लोग कमी बता रहे कि यहाँ ये रह गई थी, यहाँ ऐसा होना था वैसा होना था, ऐसा कुछ नहीं रहता अपने पास, जो है सीधा लाइव दिखाते हैं आपको। शाम तक दोस्तों इतना ही लोहा बंधाना हमारा, जो दिख रहा है आपको एक ये वाले कमरे का, ये वाले और एक ये वाला, वो वाला रह गया है और ये वाला, बाकी इसमें जब एक्स्ट्रा वायर डालेंगे उसका पार्ट्स आपको कल देखने के लिए मिलेगा। कल ये पूरा बंधा जाएगा कंप्लीट, तब मैं कल एक सेकंड पार्ट करके लिख के उसमें डालूंगा। अब इसमें देख सकते हो ये ऊपर वाला ये उड़ जाता है ऐसा, ये और नीचे वाला नीचे, ये क्रैंक मारे वो है, ये क्रैंक की लाट आपको दिखती होगी ऐसे में दिखेगी, ये जो उठी है हल्की हल्की, ये उड़ गई है, इतना सा कसाना है मात्र लोहा हमारा। इसी के साथ में हो चुके हैं शाम, फिर मिलेंगे आपको कल एक नए वीडियो के साथ में और एक नई शुरुआत के साथ में। जितना रह गया हमारा लोहा वो बंधाएगा कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।